आज हम बताएंगे कि आधार से अपना वोटर आईडी कार्ड आप कैसे लिंक कर सकते हो। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने एक सुझाव दिया है कि भाई अपना आधार को वोटर आईडी कार्ड से आप लिंक कर लीजिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप नहीं करिएगा तो आपको कोई समस्या हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका वोटर जो वोट दें, ठीक है ना, उसमें किसी तरह का धांधली नहीं हो, तो इसके लिए अगर कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि आजकल बहुत फर्जी वोटिंग भी होता है, तो उससे बचने के लिए एक समझ लीजिए कि बहुत अच्छा एक कदम है आधार से वोटर आईडी को लिंक कर लेने से। जो है एक अच्छा आप काम करोगे देश के लिए, तो जरूरी नहीं है लेकिन कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बढ़िया से वोटिंग होगा, निष्पक्ष चुनाव होगा, तो देश के लिए अच्छा होगा, हम सब के लिए अच्छा होगा। तो इसको लिंक करने का जो है तरीका बता रहे हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। तो वोटर आईडी कार्ड में जो नंबर लिखल रहता है वो चाहिए आपको, आधार का चाहिए आधार नंबर, और आपका मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी आपको चाहिए। तो इसे लिंक करना है भी समझ लीजिए, हम लोग गूगल पर NVSP जो है सर्च करेंगे, NVSP, और यहाँ वेबसाइट है NVSP.in, इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर देखिए वेबसाइट का जो भी सर्विसेज था उसको हटा दिया गया है, अब इसको शिफ्ट कर दिया गया है voter.eci.gov पर, तो ऑटोमेटिक ये रिडायरेक्ट कर देगा। अब इसी पर सारा काम हो रहा है। तो इसमें अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो लॉगिन कर लेना है, अगर रजिस्टर नहीं किया है तो यहाँ से आपको साइन अप कर लेना है। रजिस्ट्रेशन साइन अप मतलब रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ पर देखिए अपना साइन अप कर लीजिए, मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस सब डाल के रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, लॉगिन आईडी आपको मिल जाएगा। अगर ऑलरेडी पहले से रजिस्टर है तो आपको केवल यहाँ लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ क्लिक करना है और अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। जो पासवर्ड आपने जनरेट किया हुआ है उसी से आपको लॉगिन कर लेना है। रिक्वेस्ट OTP कीजिएगा, आपके मोबाइल पर एक OTP आ जाएगा, वो डाल के आपको लॉगिन हो जाएगा। जब आप लॉगिन करोगे तो अभी देखिए हम लॉगिन तो यहाँ नहीं किए हैं, लेकिन जब लॉगिन करोगे तो यहाँ पर नीचे में स्क्रॉल करोगे तो आपको आधार कलेक्शन का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर अभी इसको क्लिक करेंगे तो लॉगिन करने को बोलेगा, तो लॉगिन करने के बाद ही कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो आधार कलेक्शन में जाना है आपको, यहाँ पर एक फॉर्म भरना होगा आपको, फॉर्म 6B भरना होगा आपको। तो आप फॉर्म 6B भरोगे तो वहाँ पर आपको आधार का एक स्कैन कॉपी और इलेक्शन फोटो का आईडी कार्ड का एक स्कैन कॉपी वहाँ लगेगा फॉर्म भरने के बाद, ठीक है। वो आपको भरना है और अपलोड करना है डॉक्यूमेंट। उसके बाद आप एक EPIC नंबर होता है, EPIC नंबर, वो आपका वोटर आईडी के आई कार्ड के ऊपर जो नंबर लिखा रहता है उसी को EPIC नंबर कहा जाता है। उसी EPIC नंबर को आपको यहाँ पर डालना है और फिर उसके बाद वेरीफाई क्लिक करना है। वहाँ पर एक ऑप्शन होगा वेरीफाई एंड फिल फॉर्म, वेरीफाई एंड फिल फॉर्म का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करना है। उसके बाद लैंग्वेज पूछेगा, अपना लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश जो भी चुनना है चुन लीजिए। वहाँ पर फॉर्म 6B को ऑनलाइन आपको भर देना है अच्छा से, भरने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। इतना करने के बाद, प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद, आपका आधार जो है वोटर आईडी कार्ड से लिंक हो जाता है, बस इतना ही काम करना है आपको। अब आप वेबसाइट से तो आपने लिंक कर लिया आधार को वोटर आईडी, लेकिन फ़ोन से भी आप फ़ोन करके भी कर सकते हो। उसके लिए एक नंबर बता रहे हैं, 1950 1950, में 10 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक जो है कॉल कर सकते हो। आपका सोमवार से लेकर आपको शुक्रवार तक टाइम है कॉल करने का। आपको कॉल करना है इस नंबर पर, 1950 नंबर है, 1950 इस पर कॉल कीजिएगा। वहाँ से आपको आधार नंबर पूछा जाएगा और आपका जो वोटर आईडी कार्ड में EPIC नंबर होता है, EPIC, उसको EPIC नंबर कहा जाता है जो वोटर आईडी में लिखा रहता है, वो नंबर आपको पूछा जाएगा वहाँ पर। उसके बाद वो लोग वेरिफिकेशन करेंगे और वेरिफिकेशन करने के बाद आपका आधार और वोटर आईडी को जो है वही लोग लिंक कर देंगे। आपको कंफर्मेशन मैसेज भी मिल जाएगा इसका कि भाई लिंक हो गया है। क्वेश्चन बाद कमेंट करिएगा, हम वीडियो बना रहे हैं। चलो, जय हिंद भाई।